जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सब छोड़ करके तन मन सब कुछ मुझे दे दो, मुझे दे दो। इसलिए जिसको कृष्ण गीता कहते हैं मन मना भव, मन किसको दो, मुझे दो। मत भक्त भव, भक्त किसका बनो, मेरा बनो। माम जाजी, पूजा किसको करो, मेरी पूजा करो। माम नमस्कार, प्रणाम किसको करो, मेरे को करो। करने से क्या होगा, कृष्ण कहते तभी तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो, तभी मेरे पास में तुम आ सकते हो। इसलिए भक्ति एकांतिक भक्ति, कनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। इसलिए गोपियों का जो प्रेम है इसको समर्थ रखते बताया। समर्थ मतलब होता है भगवान को वशीभूत करने में समर्थ है। भगवान को कौन वशीभूत कर सकता है, उनकी भक्ति। लेकिन भक्ति अगर एकनिष्ठ भक्ति हो, संपूर्ण रूप में कृष्ण की भक्ति में जब कोई डूब जाते हैं तभी तो भगवान उसको द्वारा संतुष्ट होता है ना। भगवान को तभी वो कोई आकर्षण कर सकते हैं। इसलिए इनके प्रेम को समर्था प्रेम बताया, मतलब भगवान को यही केवल कृष्ण को। यद्यपि सब भक्तों ने भक्ति किया है लेकिन कृष्ण सभी भक्तों जो जैसे भक्ति किया कृष्ण उनको भी वैसे भक्ति किया, लेकिन केवल कृष्ण केवल उन्होंने एक ही बार बताए न पारे अहम निरबद्ध संजुजा है। इसलिए कृष्ण गीता में बोले ये जथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजामि, मेरे को जितना जो जैसे भजन करता है मैं उनके अनुरूप उनको प्रेम प्रदान करता हूँ। कृष्ण सब जगह में ये बात को बोल करके आए, मेरे को दो आना भक्ति करो दो आना मैं भक्ति करता हूँ, पांच आना करो पांच आना करता हूँ, दस आना करो दस आना करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने गोपियों के पास में उन्होंने आए, लेकिन इनका प्रेम इतनी महान प्रेम था, इतने बड़ा प्रेम इनका था, केवल वहीं पर कृष्ण बोले हे गोपियाँ ब्रह्मा जी से परमायु अगर मैं ले लूँ तुम लोगों का ऋणी कभी मैं चुका नहीं सकता। बोले क्यों, बोले तुम लोगों का जो भक्ति मेरी प्रति, तुम लोगों ने मेरे वजह से तुम सारा दुनिया को ठुकर मार दी, तुम सारा दुनिया में किसी को पूछे नहीं, एक पैंट संपूर्ण मेरे चरण में तुम लोगों ने मेरे चरण में प्रेम किया प्रीति किया, इसलिए मैं ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी तुम्हारी प्रेम से कभी ऋणी ऋणी हो नहीं सकता है। इसलिए ये प्रेम को समर्थ आरती बताया, समर्थ मतलब भगवान को कंट्रोल करने में ये समर्थ है। इसलिए ब्रह्मा जी को नारद जी प्रश्न करते हैं, बोले पिताजी जगत में तो बहुत भक्त है लेकिन आप ये गोपियों का प्रेम पाने के लिए क्यों तपस्या की है? तो ब्रह्मा जी बोले मैंने 60,000 साल मैंने तपस्या की ये गोपियों जैसे प्रेम पाने के लिए। बोले क्यों, बोले जो गोपियाँ हैं ना स्त्रियाँ नहीं हैं। कहती है गोपियाँ कौन हैं, बोले ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। कहते कृष्ण का अभिन्न से राधा रानी, राधा रानी नहीं एक एक भाव को उन्होंने एक एक गोपी रूप दिया है। जैसे तुंग विद्या, तुंग विद्या मतलब क्या, कहते विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ है। चित्रा, चित्रा मतलब क्या है, राधा रानी के अंदर में जो आर्ट है वो एक रूप धारण किया है, हैं। इसलिए कहते जो सखियाँ जो ललिता विशाखा कौन है, कहते ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण लड़कियाँ नहीं है, ये सब के सब राधा जी की एक एक भाव ही एक एक रूप धारण किया है। इसलिए ये कोई साधारण गोपियाँ नहीं। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति जब ब्रज में आए और उन्होंने गोपियों की प्रेम को देखा, देख करके उद्धव जैसे व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गए, चकित होकर के उन्होंने उनके चरण की धूल को उन्होंने प्रार्थना किया, बोले आशा महो चरण रेणु जुसा महंस्या वृंदावन किमपि गुल्मल तोष दिना, क्या मेरा ऐसे सौभाग्य होगा, बोले कौन सा सौभाग्य होगा, बोले वृंदावन में मैं घास होकर के जन्म लूं। बोले घास क्यों बनना चाहते हो, बोले गोपियाँ कृष्ण को साथ में जो मिलने के लिए जाएगी चल करके तो जाना ही पड़ेगा, अगर मैं घास बन करके रहूँगा तो चल करके वो जाएंगे उनके चरण धूलि मिल जाएगी। बोले वहाँ की लता बनना चाहता हूँ, बोले लता क्यों बनना चाहते हो, बोले कृष्ण जब कुंज में लीला करेंगे अगर मैं लता बन कर रहूँगा उनका लीला दर्शन कर लूँगा। कहते वहाँ की औषधि वृक्ष बन जाऊँ, बोले औषधि वृक्ष क्यों बनना चाहते हैं,
अगर मैं औषधि वृक्ष बनूंगा, कभी अगर बीमारी पड़े दवा तो खाएंगे, जब दवा खाएंगे उनके हृदय में मैं चला जाऊंगा। इसलिए वो तीन चीज की प्रार्थना की। बोले उद्धव कौन है? कहते उद्धव जी के लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं वृषि नाम परवर मंत्री कृष्ण से दैत्य। उद्धव कौन है? कहले उद्धव को बताए कृष्णस्य, कृष्ण की सखा है, उनके मंत्री है। अगर कृष्ण को कोई परामर्श ले ला ना, भैया अभी क्या करनी चाहिए, अभी क्या नहीं करनी चाहिए, तब वो किससे परामर्श लेते हैं? वो उद्धव जी से परामर्श लेते हैं। मतलब ये उद्धव बुद्धि सत्तम, मतलब उद्धव बुद्धि में बहुत ही प्रबुद्धि उद्धव जी की है। इसलिए बुद्धि में एकदम सर्वश्रेष्ठ बुद्धि। बोले शिष्य किसकी? बोले शिष्य बृहस्पति साक्षात। कहते बृहस्पति के शिष्य है, क्योंकि इसी जगत में जब उद्धव जी पढ़ने के लिए कहीं जाते थे, इनका ऐसे वो प्रश्न करते तो टीचर इनका प्रश्न ही नहीं समझता, ये क्या प्रश्न कर रहा है, मतलब इतने उसके हाई भाई बुद्धि। इसलिए उनको स्वर्ग में भेजा, भैया यहाँ पर तेरे को पढ़ाने वाले कोई नहीं, स्वर्ग में जाओ, जो देवता का जो गुरु है तुम वहीं पर पढ़ सकते हो। इसलिए उन्होंने स्वर्ग में भेजा, स्वर्ग में जा करके लिख पढ़ कर वहाँ पर आए। इसलिए कहते उद्धव बुद्धि सत्तम, बुद्धि में वो सर्वश्रेष्ठ श्री उद्धव जी। और कृष्ण खुद कहते हैं उद्धव तुम मेरे जितने प्रिय हो, दुनिया में और मेरी कोई इतना प्रिय नहीं। कितना प्रिय है? बोले न तथा मैं प्रिय तम आत्मज्योनि। आत्मज्योनि मतलब होता है ब्रह्मा, मेरे से तो जन्म लिया। आपको पता होगा बेटा कितना प्यारा होता है, बेटा कितना प्यारा होता है। कहते मेरा बेटा तू जितने मेरे प्रिय है ना, मेरे बेटा भी इतना मेरा प्रिय नहीं। बोले बेटा से बात छोड़ दो, उससे ज़्यादा प्यारी होती है पत्नी, उससे ज़्यादा प्यारी होती है पत्नी। देखना घर में बेटा अगर बहू आगे लड़ाई बड़े हो गई, बेटा अलग हो जाता है, लेकिन पत्नी को थोड़ी कोई अलग करता है, पत्नी तो अपना पास में रहती है। इसलिए कहते उससे श्रेष्ठ है पत्नी। तुम मेरी जितना प्रिय है ना, मेरी जो पत्नी लक्ष्मी भी मेरी इतना प्रिय नहीं। कहते उससे ज्यादा प्यारा कौन है? कहते ये श्री बलदेव प्रभु आत्मा। कहते शंकर जी। कहते शंकर जी कौन है? कहते हरिहर एकात्मा। कहते ना हरिहर एकात्मा, वो दो नहीं एक है। इसलिए मेरे जो एकात्मा जो शंकर जी, तू जितना प्रिय है ना, मेरे अभिन्न स्वरूप श्री भोले बाबा शंकर जी जो हम एकात्मा, को भी इतना प्रिय नहीं। पहले उनसे श्रेष्ठ कौन है? बल्कि बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु क्यों? कहते वो दो नहीं, वो एक ही है, लेकिन केवल लीला रस को आस्वादन करने के लिए वो दो हुए। इसलिए बोले दुई भाई एक तनु समान प्रकाश। एक कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे, केवल इतना ही फर्क, और ज्यादा फर्क नहीं। केवल वो गोरे ये काले हैं, हैं? इसलिए इतना फर्क है। कहते तू जितने प्रिय है ना, मेरे भैया दाऊ भैया भी इतना प्रिय नहीं। बोले उससे ज्यादा प्रिय कौन है? अपना आत्मा। संसार में अगर सबसे लड़ाई हो जाए, पत्नी भी अलग चली गई, परिवार भी अलग चले, आत्मा को थोड़ी अलग हो जाएगी, आत्मा तो चली जाएगी, सब चल गए हैं। इसलिए कहते मेरी आत्मा जितना प्रिय नहीं उद्धव, तू मेरी उतना प्रिय, मतलब उद्धव इतने प्रिय उद्धव। इसलिए इसे उद्धव जी जो बात को कहेंगे, उद्धव जी जो बात कहेंगे वो तो श्रेष्ठ बात होगा ना, उनसे तो श्रेष्ठ बात कुछ नहीं होगा। इसलिए उद्धव जी जब उन्होंने गोपियों के प्रेम को देखा, तब कहते उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल है। उद्धव जी बड़े अभिमान को साथ में गए थे, अरे ये सब कंडा बिनने वाले दधि मंथन करने वाले गवार है, गांव में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, अरे इनको समझाना मेरे लिए थोड़ी कोई बड़ी वाली बात, इनको तो चुटकी बजाते ही मैं समझा दूंगा। लेकिन जब उनकी जब बात को उन्होंने सुने, प्रेम की जो बात को सुने ना, उन लोगों ने जो प्रश्न किया, गोपियों ने जो कृष्ण को प्रश्न किया, उद्धव की बोली बंद हो गई, उनको बोली बंद हो गई। इसलिए उनकी प्रेम को देख करके, राधा रानी को प्रेम को देख कर तो उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञान की हैं। कहते गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जैसे कोई टोपी पहने हो, जैसे कोई पर्वत बहुत ऊंचा हो, जैसे हिमालय पर्वत एवरेस्ट जैसे बहुत ऊंचा हो, क्या होगा
अब ऐसे देखते 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 सर नीचे इतना हो जाएगा जो टोपी है ना गिर जाएगी। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे तो उन्होंने टोपी पहन कर गए थे हैं उनको नापने के लिए, लेकिन उनकी प्रेम को जब उन्होंने देखा ऐसे करते 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 उनका जो टोपी थी ना नीचे गिर गई। मतलब जो ज्ञान की जो अभिमान थी वो ज्ञान एकदम चकनाचूर उनको हो गया। तो लास्ट में श्री उद्धव जी कहते हैं तापराम तनुभृता भूमि गोप बद्वा, अगर इसी जगत में किसकी जीवन धारण करना सार्थकता है चिंता है, ये गोपियों का जीवन धारण करना सार्थकता है। बोले क्यों जीवन सार्थकता, भगवान ये जीवन दिया क्यों? बोले भगवान इसलिए ये जीवन दिया है भगवान को प्रेम करने के लिए, भगवान को भक्ति करने के लिए ही ठाकुर ने ये जीवन दिया। लेकिन भक्ति तो सभी ने किया है, भक्ति तो सभी ने किया है, सखा लोग भी किया है, मैया ने किया, उनका सेवक लोग भी भक्ति किया, ये लोग भी तो भक्ति किया है। लेकिन ये जो गोपियों की जो भक्ति है ना, कहते रूढ़ भाव, इनके अंदर में जो कृष्ण के प्रति जो रूढ़ भाव है, जो प्रेम की जो भावना है ना, कहते भैया ये इतना गहरा प्रेम और कृष्ण अंदर में नहीं। इसलिए जो उद्धव जी गोपियों के साथ में मिले हैं, इतने में गोपियां बोल रही थी जो काले हैं, काले से प्रेम नहीं करनी चाहिए। ये हर युग अवतार में ये जो जितने काले हुए ना, जो सत्य युग में भी काला हुआ है। बोले कौन? बोले श्री बामन देव। बलि महाराज के पास में आए, बोले भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। वो देना चाहते थे, बोले तीन पग जमीन दो। बलि महाराज बोले भैया तू तो इतने बवना सा, तीन पग में क्या होगा, इतने चरण भी इतने छोटे छोटे हैं। तो उन्होंने बोले देखो मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, एक जगह पर बैठ करके थोड़ा भजन करना चाहता हूँ। बोले भैया बैठ कर तो भजन करोगे, सामान तो भी तो कुछ होगा, सामान तो कुछ होगा, रखने के लिए तो चल चाहिए। ठीक है तू जो बोल दिया बोल दिया, लेकिन तेरा चरण तो इतनी छोटी छोटी, कितना जमीन होगा? मेरे पास में बड़े बड़े देखते लोग, उनका चरण बड़े बड़े चरण है, उनका चरण से मुफवा करके मैं जमीन दे दूंगा। बोले भैया हम संतोषी ब्राह्मण, हम तो किसकी प्यार का छुआ हुआ बस्ती हम नहीं लेते हैं, हम तो अपना चरण से नाप कर लेते हैं। पहले उनको बांध दिया है, बोले अपना चरण से नाप करके लेंगे। लेकिन जब उन्होंने चरण बढ़ाया, एक चरण तो भूर भूव मोह जन तप सत्य लोग तो ले लिया, दूसरे चरण में अतल बीतल तलातल पाताल लोग को ले लिया। बोले भैया बताओ तीसरे पग कहाँ पर ले? दो चरण में तो सब कुछ ले लिया, बताओ तीसरे चरण कहाँ पर लेते? फिर उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया, उनको नाग फांस बंधन में बांध दिया उनको। तो जैसे कौवा होते है ना, वो खाते तो है लेकिन ठोकर भी मारते, फिर का करे, कोई खाना मिलेगा देखा ना, कौवा जो है ना का जोर जोर से का करते हैं, और उसको सुन करके और दूसरे जो कौवा है ना, दूसरे कौवा भी आ जाते हैं और सबके सब मिल करके सबके सब खा जाते हैं। बोले काला है ना, कहते ये कौवा काले हैं, इसलिए कृष्ण भी काले हैं, इसलिए कहते जितने काले हैं ना ये सबके सब ऐसे ही काले हैं। फिर तृतीया युग में भी एक काला हुआ, बोले कौन? बोले राम जी, वो भी काले थे। अभी उन्होंने गया जंगल में, जंगल में गए तो अभी सुपर्ण का उसका रूप देख करके भगवान के तो मुग्ध हो गया और बड़ी सुंदरी बन करके आई। बोले देखो मैं जितने सुंदरी है ना, भगवान तेरे को भी इतने सुंदर बना, मेरे से ब्याह कर ले, मेरे से शादी कर ले। हैं भैया शादी नहीं करता, नहीं करता कोई बात नहीं, लेकिन उसको नाक कान क्यों कटवाया? एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो? नाक कान काट दो दुनिया में कोई पूछेगा? और सुपने का कि कोई दोष नहीं। बोले क्यों दोष नहीं थी? बोले तू इतना सुंदर क्यों बना? तू अगर इतना सुंदर नहीं बनता तो वो शादी करने की इच्छा नहीं करता। अभी उस दोष उसकी ना, दोष तुम्हारी है, दोष तो तुम्हारी है ना, तुम इतना सुंदर मत बनो। इसलिए गोपियाँ कभी कभी कहती ना, नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती कर रहने की, कह तू इतने सुंदर, इतने सुंदर अगर लाली होता है ना, सारा दुनिया तेरे लिए मर जाते पाने के लिए। हैं इसलिए भैया उसका कोई दोष नहीं, वो तो स्वाभाविक ही सुंदर पुरुष को देख करके आकृष्ट होते हैं, दोष तो तुम्हारी था। इसलिए वो काला भी नाक कटवाया,
और अभी भी वही काले, कृष्ण को तू भी काले हो, हाँ? कृष्ण को तरह तरह से उलाहना दे रही थी, जब उलाहना दे रही थी इतने में उनसे पूछे, भैया आप अगर कृष्ण काले हैं, ये जन्म जन्मांतर से सब काले ऐसे, भैया मैं तो जब से आ रहा हूँ तब से तुम काले 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 का भाग ले रहे हो, अगर काले इतना खराब चीज तो छोड़ दे काले को और भी बात करो। हाँ देखो गोपियाँ क्या करें, उनकी प्रेम क्यों इतना श्रेष्ठ है, बोले यही तो बात है, यही तो बात है, ये आँखों को हम समझाते भैया काले छोड़ दे और कोई चीज देखो ना, लेकिन ये आँख में ऐसे काला बैठ गया, काला ऐसे बैठ गया, वो आँखों से काला निकलती नहीं है, आँखें काला निकलती नहीं, इसलिए होली खेलते खेलते किसी गोपियों का आँख में गुलाल चली गई, चली गई तो जमुना पानी में धो रही जो निकाल रहे हो, किसको निकाल रहे हो, बोले आँखों से तो है वो तो गुलाल निकलेगा, लेकिन वो काला जो आँख में बैठा है ना वही नहीं निकल रहा है, वही काला ही नहीं निकल रहा है। हम कान को समझाते हैं, देख कान सुनने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन कृष्ण का बंसुरी की आवाज़ ही मत सुना कर, सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ और कोई चीज़ सुनो ना, कृष्ण की बंसुरी की आवाज़ क्यों सुनते हो, लेकिन ये कान ऐसी आवाज़ आएगी तो केवल उनकी बंसुरी की आवाज़ आएगी और कोई आवाज़ ही नहीं आती कान में। ये जीवा को बोलते भैया बात बहुत सारी बात है तो इसकी बात छोड़ देना और कोई बात करो, लेकिन ये जीवा में ऐसे बैठ गया, वो काला मुंह से निकले तो उसकी बात छोड़ करो, कोई बात ही नहीं निकलती। हम ये दिल को समझाते भैया उसको छोड़ कर और तो किसको स्मरण कर, क्यों स्मरण करते हो, लेकिन वो दिल में ऐसे बैठ गया उसको छोड़ कर और कुछ स्मरण नहीं आता। ये प्यार को समझाते हैं, देखो भैया वहीं पर जाया करो जहाँ पर कृष्ण की लीला नहीं हो, लेकिन प्यार जाए तो वहीं जाएगा जहाँ पर कृष्ण की लीला स्थली वहीं पर जाएगा है। ये मन को भी समझाते हैं, भैया मन और कोई चीज को स्मरण कर, लेकिन ये मन चिंता करेगा तो उसको छोड़ कर वो कोई चिंता ही नहीं करता है। देखो इनकी भक्ति कितने श्रेष्ठ भक्ति, हम भक्ति बैठे हुए लेकिन मन ही नहीं, मतलब हमारा मन कितने चंचल है, चाहने पर भी हम भगवान को स्मरण करेंगे मन भगवत स्मरण नहीं करता, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हम चाहने पर भी हम कृष्ण को स्मरण करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हमारी ऐसे कण कण में वो बैठ गया, रोम रोम में बैठ गया, हम चाहने पर भी उसको भूल नहीं पा रहे, उनको भूल नहीं पाते, इसलिए उद्धव जी कहते हैं भैया उनकी जो प्रेम है अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम है उनकी, इसलिए उद्धव जी कहते हैं जो प्रेम की पाने के लिए मैं भी चाहता हूँ और ब्रह्मा भी चाहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी बरसाना में वो जो ब्रह्माचल पर्वत है बरसाना में क्यों वहाँ पर पत्थर रूप में जन्म हुए, केवल गोपियों की कृपा पाने के लिए, शंकर जी जब कृष्ण रास करते हैं शंकर जी गोपीश्वर बन करके आते हैं, शंकर जी गोपीश्वर गोपी बन करके आते हैं, बोले क्यों, बोले गोपियों की कृपा हमें प्राप्त हो, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हो सका, निकाल दिया शंकर जी को वहाँ से, बोले ऊपर में तो गोपी रूप धारण किया लेकिन तुम्हारे हृदय में गोपियों की भावना नहीं, मतलब इनकी भाव इतने बड़ी भाव है, शंकर जैसे व्यक्ति भी जो सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी उनको भी वहाँ से निकाल दी गई और वहाँ की चौकीदार बना दी, अभी भी शंकर जी को दिन में शिवलिंग का दर्शन आता है, शाम को शंकर जी को गोपी मूर्ति में सजाए जाते हैं, गोपी मूर्ति में सजाया जाता है, शंकर जी गोपी भाव को पाने के लिए वो भी तपस्या करते हैं, नारद भी गिरिराज गोवर्धन में नारदीय कुंड है वहाँ पर भी वो नारदीय गोपी बन करके भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उद्धव जी कहते हैं भैया जिस प्रेम के लिए मैं स्वयं ब्रह्मा स्वयं शंकर जी स्वयं नारद स्वयं जिस प्रेम के लिए हम तरसते हैं जो प्रेम के लिए, इसलिए कहते हैं इनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ इनको, बोले ना अयम श्रीयंग रति है प्रसाद सौर जोशिताम नलिन गंधा रति कुचन्य है, कहते इनको जितने सौभाग्य मिला है ना दुनिया में और किसी को नहीं मिला, बोले स्वर्ग में जो अप्सरी वो अप्सरी कैसे, कहते जिनके शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है, उनको शरीर से कमल फूल की खुशबू निकलती, इसी जगत में स्त्रियां इतने सुंदरी है ना
इससे सगुण सुंदरी कौन है? स्वर्ग की देवियां है ना सुंदरी। हमारे शरीर से कौन सा खुशबू निकलती है? हमारे शरीर में थोड़ा गर्मी हो जाए ना, देखना शरीर से बदबू बदबू निकलता है हमारे शरीर से, लेकिन उनको शरीर से कमल फूल की खुशबू निकलती है। इसलिए स्त्रियों की चार तरह का बताए हैं, पद्मिनी, संकीनी और गजिनी, ऐसे ऐसे उसका नाम कुछ बताया गया है। एक स्त्री जाती है तो पद्मिनी, पद्मिनी मतलब होता है जिनके शरीर से कमल फूल की खुशबू निकले, बदबू नहीं निकले, उस स्त्री को बहुत अच्छी मानी जाती है। हैं, कहते हैं जो स्वर्ग में जो अप्सरिया जिनके शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती हैं, हैं, इसलिए उनको जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, बोले ना एम श्री, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ अभी भी बेल वन में बैठ करके, हाँ, जमुना की उस पार का बेल वन में अभी भी लक्ष्मी बैठी करके, अब लक्ष्मी को हर जगह में देखना ऐसे बैठी आशीर्वाद देती है, लक्ष्मी सबका आशीर्वाद देती है, सब हम लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा के बगैर कुछ होता है नहीं, सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा हम चाहते हैं, लक्ष्मी की कृपा हुआ हमारे ऊपर, लेकिन सब जगह में हाथ जो ऐसे करके बैठती है, सबको आशीर्वाद देती है, लेकिन अब वृंदावन जाओ लक्ष्मी ऐसे नहीं बैठी, लक्ष्मी ऐसे बैठी तपस्या कर रही है। बोले क्यों तपस्या क्यों कर रही है? बोले भगवान की यही गोपी रूप धारण करके भगवान की रास में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी भी हाथ जोड़ करके बोले बिहाय कामान सुचिरत धृत व्रता, सारी कामनाओं को छोड़ करके कठोर तपस्या कर रही है लक्ष्मी इसी गोपियों की भाव को पाने के लिए। इसलिए कहते भुज दंड गृहित कंठा, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं रासलीला में, रास करते करते कृष्ण कभी कभी गोपियों की गले में गलबहनियां डाल करके बोले भगवान के हाथ कैसे उदाहरण दिया, भुज दंड गृहित कंठा, उनका जो हाथ है ना सर्प जैसे, सर्प कैसे होता है मुंह पतला होता है, मुंह होता है मुट्ठा और पूंछ का तरफ में पतली होती है, पूंछ की तरफ में उसकी पतली होती है, इसलिए भगवान की जो हाथ बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर भगवान का हाथ है, कोटि चंद्र सुशीतल, भगवान के जो हाथ करोड़ चंद्रमा से जीन करके सुशीतल है, अद्भुत सुंदर भगवान का हाथ, लेकिन उसी हाथों से कृष्ण क्या करते हैं गोपियों की गले में गलबहनियां डाल करके कहते गोपियां तुम रास परित्याग मत करना, रास मतलब जहाँ पर रस है, अगर तुम लोग रास छोड़ दोगे ना ये रस भंग हो जाएगा, भंग हो जाएगा। उदाहरण दिया जैसे एक बच्चा कभी कभी अगर मैया से कोई चीज मांगना है ना, मैया मेरे को ये चीज दे दे, मैया ये दे दे, मैया हम ये खेलेंगे, मैया हम करते करेंगे, बच्चा क्या करता है मैया की गला में ऐसे हाथ डाल करके, हाँ मैया मेरे को दे दे, उसी तरह कृष्ण कभी क्या करते गोपियों के गले में गलबहनियां डाल करके हाथ, हाँ, डाल करके उनसे प्रार्थना करते तुम लोग रास को मत परित्याग करो, रास छोड़ जाओगे तो फिर रास भंग हो जाएगी, मतलब इनकी इतने सौभाग्य, गोपियों की इतने सौभाग्य, इसलिए कहते बंदे नंद ब्रज स्त्रीनां पाद रेणु अभिक्ष्ण स जासा महरि कत वितप नाति भवन। लास्ट में उद्धव जी कहते हैं, कहते भैया जिनकी बंदे नंद ब्रज स्त्रीनां पाद रेणु अभिषक्त, मेरा कब ऐसे सौभाग्य होगा ये ब्रज गोपियों की चरण धूलि के द्वारा में अभिषिक्त हो जाए, हैं? और रेणु मतलब एक धूल, उद्धव जी कहते एक धूल भैया किसकी चरण की, राधा रानी, राधा रानी की चरण की एक धूल हमें मिल जाए, बंदे ब्रज स्त्रीनां पाद जासांग हरि कथोद गीत पुनाद भुवन कर, मतलब इनकी जो कथा है ना गोपियों की जो कथा विश्व ब्रह्मांड को ये पवित्र करने वाले इनकी कथा है, इनके पवित्र करने वाले इनकी कथा है, इसलिए इनकी प्रेम को बताया समर्था रति, समर्था रति मतलब है भगवान को बसीभूत करने में ये समर्थ है, भगवान को संपूर्ण रूप में बसीभूत कर देते हैं इनकी, इतना दुर्लभ इनका प्रेम, ठीक है। हरे कृष्णा, कितना समय टाइम है? 9 बजने वाले आप लोग टाइम ही ना चले जाओगे, आप तो जाने ना वहां पे ऑफिस भी जाना है, इसलिए हाँ
इसलिए देखो तो और दो मिनट सुन लो। हरे कृष्ण। हम लोग गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, यद्यपि महाप्रभु आने से पहले दुनिया भक्ति करते थे लेकिन भक्ति को जो रस रूप प्रदान किया, भक्ति एक रस है, दुनिया जानते हैं भगवान को भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, सब जानते थे भक्ति करो, लेकिन भक्ति होने पर भी, लेकिन भक्तियों का अंदर में जो सोपान है, ये दास्य रस है, ये सख्य रस है, ये बात्सल्य रस है, ये श्रृंगार रस है, हैं ये रस है। और कौन सा रस में क्या क्या गुण है, हैं दास्य रस में क्या गुण, सख्य रस में क्या, बात्सल्य रस में क्या, और जो श्रृंगार रस में मधुर रस में क्या गुण, फिर मधुर रस के अंदर में उसमें सखिया और परकिया भावना, फिर परकिया अंदर में भी उसमें भी तरह तरह का प्रेम का स्तर उन्होंने दिखाया, पर क्या प्रेम में भी वहाँ पर भी उनको कुछ है तटस्थता है, कुछ सुहृद प्रख्या है, कुछ उनकी स्वपक या विपक या तटस्थता सुहृद प्रख्या, सो गोपियों के अंदर में भेद दिखाया है, हैं उसको अंदर में भी उन्होंने दिखाया राधा रानी का कैसे घृत स्नेह मधु स्नेह, कैसे कैसे उनकी सखियों में सर्वश्रेष्ठ दो सखी है, एक चंद्रावली और एक राधा रानी, फिर चंद्रावली का जो प्रेम है कहती है कहती है घृत स्नेह, राधा जी की मधु स्नेह, चंद्रावली की कहते हम तदीयता, राधा रानी की मधुरता, प्रेम के अंदर में जो विभेद दिखाया है ये अंदर में अद्भुत अद्भुत उन्हें चमत्कारिता पूर्ण उन्होंने जो चीज दिखाया ना कहते रूप गोस्वामी ने दिखाया, उसमें जो इतने सूक्ष्म विचार उन्होंने दिखाया, उज्जवल निर्मल ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है, और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में उन्होंने सब भक्ति का लक्षण बताया है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर किसका किसका क्या क्या लक्षण है, लेकिन जो उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में उन्होंने केवल उन्होंने मधुर रस का उन्होंने विवेचना मधुर रस की उन्होंने किया है, गोपियों की भावना राधा जी की भावना इनकी भावना को उन्होंने बताया, कहते तो भैया ये आने से पहले ये सब चीज दुनिया में कोई नहीं बताया, उसमें जो विश्लेषण किया अद्भुत अद्भुत रूप में, इसलिए ग्रंथ को सब पढ़नी चाहिए, मेरे इस ग्रंथ को अद्भुत अद्भुत उन्होंने चमत्कारिता पूर्ण दिखाया, इसलिए कहते अगर श्री रूप गोस्वामी नहीं आते, इसलिए इनका नाम महाप्रभु ने रूप रखा, भले रूप गोस्वामी ने सब चीज रूप क्यों रखा, इनका नाम रूप क्यों रखा, भले इसलिए रूप रखा, भले प्रिय स्वरूप दैत स्वरूप प्रेम स्वरूप ततान रूप स्विलास रूपे हैं, इसलिए कवि कर्णपुर हुए हैं, उन्होंने रूप का जो उन्होंने व्याख्या किया क्यों महाप्रभु इनका रूप नाम रखा, इसलिए रूप नाम रखा, इस सबका रूप है, कृष्ण का भी रूप है, राधा जी का भी रूप है, महाप्रभु का भी रूप है, स्वरूप दामोदर का रूप है, रघुनाथ दास गोस्वामी का रूप, जीव गोस्वामी का, ये सबका रूप श्री रूप गोस्वामी, ये सबका रूप मतलब सभी की हृदय की भावना को ये समझ करके उन्होंने सारे इनके हृदय में जो भावना थी ना उन्होंने सारे भावना को उन्होंने अभिव्यक्त किया, सारी भावना को, इसलिए उनका नाम रूप नाम रखा है, रूप सनातन महाप्रभु ने रूप नाम रखा, इसलिए यहाँ पर श्री है मध्व नाम का एक भक्त कहते जम कलि रूप शरीर नाधारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुटरी को कौन उघारत, मतलब अगर ये रूप गोस्वामी नहीं आते ना कि जो ब्रज प्रेम की जो अद्भुत चमत्कारिता है, कहते वो ब्रज प्रेम कहते एक कुठरी का, कुठरी का मतलब होता है जैसे भंडारा होता है ना, भंडारा जिसके अंदर में सारे सामान रहता है, लेकिन उसका अंदर में सब था लेकिन उसका तो दरवाजा ना वो बंद था, ये दरवाजा बंद था लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, अभी दरवाजा बंद ताला बंद है, जब तक तुम्हारे पास चाबी नहीं होगा उसको खोलोगे खोल नहीं सकते हो, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया वो जो प्रेम की जो भंडारा की जो चाबी है ना श्री रूप गोस्वामी को पकड़ा है, बोले लो ये चाबी तुम ले लो, भैया क्यों महाप्रभु का तो बहुत सारे भक्त थे लेकिन चाबी का थी उनको क्यों पकड़ाया, जैसे आपको 5 बच्चे हैं, आपकी बहुत बड़ा बिजनेस है, अरब खरब रुपया का बिजनेस है, लेकिन जिस भंडारा में तुम्हारे सारे माल रखा हुआ सारे पैसा रखा हुआ, अब हर बच्चों का हाथ में चाबी नहीं पकड़ाओगे, जो दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता है जुआ खेलता है उल्टा पुल्टा गंदा काम, वो बच्चों को पकड़ाओगे चाबी वो तो सब कुछ बर्बाद कर देगा,
उसी बच्चे को पकड़वाओगे जिस बच्चे को देने से सोच विचार कर खर्चा करेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और समझदार होगा ना, उसी बच्चे को हाथ में वो चाबी घाटी पकड़ाओगे। इसलिए महाप्रभु बोल देखे भैया ये प्रेम की भंडार है, अब ये सब चाबी घाटी किसको दो? बोले श्री रूप गोस्वामी को दो। बोले क्यों? बोले यही हमारी मन की जो इच्छा अभिष्ट को भविष्य में यही जगत में प्रचार प्रसार करेगा। इसलिए कहते उस भंडार का चाबी काटी इनको दिया। कहते भंडार में दो दरवाजा था, उसमें है दो दरवाजा है। कहते उसमें दो दरवाजा में क्या है? गुरुदेव कहते हैं एक भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है उसमें और एक उज्जवल मणि। उनका बहुत सारी ग्रंथ है लेकिन जो दो ग्रंथ उनकी बहुत महत्वपूर्ण, उनकी दो ग्रंथ है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बोले खीर नीर खीर हंस न पान विधाय न कौन पृथक करी जा पायत। जैसे दूध है, एक हंस को दो ना, हंस का अंदर विशेष गुण है, वो तो दूध दूध को पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। कहते उसी तरह कहते श्री रूप गोस्वामी ने क्या किया, शास्त्र में तो बहुत सारी बात है, बहुत सारी शास्त्र की बात है, हर रस की बात शास्त्र में किया है, लेकिन रूप गोस्वामी ऐसे एक हंस है जो केवल दूध दूध को तो ले लिया और पानी पानी को उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ करके उन्होंने क्या किया, उदाहरण देते हैं, जैसे जंगल में बहुत सुंदर सुंदर फूल है, बेली चमेली केतकी मालती चंपक, बहुत सुंदर सुंदर वन में फूल है खिले हुए हैं, लेकिन वो फूल को ले लेकर के एक सुंदर माला बनाओ और माला बना करके ठाकुर जी गले में पहनाओ। अब देखना अलग अलग फूल है लेकिन सुंदर रूप में फूल कहाँ कहाँ दे दे करके एक माला बनाने पर माला सुंदर होता है। जो वो माला ठाकुर जी को गला में पहनाओ ना, वाह वाह कितने सुंदर है। जैसे फूल है लेकिन उसको लेकर के गुलदस्ता बनाओ, गुलदस्ता बना कर रख दो, कितना सुंदर लगता है। तो उसी तरह शास्त्र में बहुत बहुत कुछ बात था लेकिन वह सब चीज को लेकर के एक गुलदस्ता बनाना और एक सुंदर माला बना करके ठाकुर जी गले में पहनाना, ये काम को किसने किया है? कहते श्री रूप गोस्वामी इस सारे काम को इन्होंने किया और जगत में ये रस क्या चीज है उन्होंने ये चीज को हमारे सामने उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए कहते श्री रूप गोस्वामी जैसे तीसरा उदाहरण देते हैं, जैसे जंगल में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए तरह तरह का, लेकिन एक मधुमक्खी क्या करता है, हर फूल के ऊपर बैठता है, बैठ करके उसके शहद को लेता है और लेकर के सुंदर का छता बना देता है, एक सुंदर छता बना देता है, फिर वो मधु कितना बढ़िया लगता है। लेकिन अगर आप साधारण व्यक्ति का काम ये नहीं, फूल तो है लेकिन एक मधुकर बन करके मधुमक्खी बन करके उसको शहद को लेकर के मधु एक छता बनाना, ये सब का काम नहीं है, कौन कर सकता है? ये मधुमक्खी ही ये काम कर सकता है, ये काम को कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने ये सब काम को उन्होंने करके फिर उनको हमारे सामने ये सुंदर सुंदर ग्रंथ को रचना करके ये सुंदर सुंदर ग्रंथ हमारे पास में उन्होंने पहुंचाया। अद्भुत अद्भुत इनकी ग्रंथ है। इसलिए कहता अगर श्री रूप गोस्वामी अगर नहीं होते है ना भैया, ये वृंदावन को हम भी नहीं जानते, ब्रजधाम को नहीं जानते, क्योंकि महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते उनको दो सेनापति बताया। सेनापति किसको कहते हैं? जैसे कोई युद्ध करने के लिए जाते हैं उसका जो कमांडर होते हैं, ये युद्ध को जो चलाने वाले होते हैं, इसलिए उन्होंने ये दो सेनापति रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को दोनों को भेजा, ले जाओ ये वृंदावन धाम को प्रकाश करो, हैं ये वृंदावन धाम को, यही दोनों आकर के हमें ये वृंदावन धाम को कृष्ण कहाँ पर बंसरी बजाए, कहाँ रास रचाए, कहाँ गैया चराए, कृष्ण कहाँ पर क्या लीला किया है ना, वृंदावन कौन सा मथुरा किया है, गोवर्धन किया, हमको किसने आकर दिखाया? कहते यही दो महापुरुष रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आकर के ब्रजधाम को प्रकाशित किया, प्रकाशित करके हमारा सामने उन्होंने दिखाया। इसलिए जिनकी कृपा से ही हैं अभी हम राधा कृष्ण की जो प्रेम कहते वृंदावनियम रस केली वार्ता, वृंदावन की जो रस केली वार्ता राधा गोविंद की जो अद्भुत जो रसयुक्त जो लीला है, कहते यही महापुरुष ने आने का वजह से हम भगवान की सुंदर सुंदर लीला कथाओं को हम सुन पा रहे हैं।
इसलिए हम सब के सब श्री रूप गोस्वामी के चरण में हम सब के सब ऋणी हैं। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यद्यपि पहले भक्ति करते थे लेकिन भक्तों की जो रस रूप धारण दिया, भक्ति को जो एक रस है, अगर ये रूप जो धारण दिया है, किसने दिया? श्री रूप गोस्वामी ने ही दिया है। इसलिए हम सब के सब श्री रूप गोस्वामी के चरण में ऋणी है। इसलिए हमें कोई प्रश्न करता है ना, भैया तुम्हारी क्या परिवार है, तुम्हारी क्या परंपरा है, हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम रूपानी, हम से रूपा, इसे रूप गोस्वामी की अनुग्रह। केवल हम नहीं, हमारी परंपरा में जितने सब भक्त मनो ठाकुर कहते हैं, सुनिया छी साधु मुखे बोले सर्व जन, श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण। वो कह रहे हैं हमने साधुओं के मुंह से सुना है। बोले क्या सुना? बोले श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण, श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही राधा कृष्ण के चरण मिलता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, कबे लोकनाथ मोरे संग लैया जावे, श्री रूपे र पाद पद में मोरे समर्पीवे। कब ऐसे दिन आएगा जो मेरे गुरु जी हमें लेकर के श्री रूप गोस्वामी के चरण में हमें प्रदान करें? हैं कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, हैं रूप रघुनाथ पदे हाई रे आकोसी कबे हम वो जब से जोगल प्रीति, रूपा रघुनाथ पदे रहुक मोर वास, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना करते हैं हमारी प्रीति कहाँ हो? रूप गोस्वामी की चरण में ही हमारे रघुनाथ की चरण में ही हमारे प्रीति हो, क्योंकि इनकी कृपा से ही हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। भक्ति धन इन्हीं कृपा से, इसलिए हमारे सारे गौड़ीय वैष्णव इनके अनुगत्य को प्रार्थना करते हैं। बोले श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। हिताई गौरी बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर ब्रह्मा ने